महंगाई को लेकर शुक्रवार को देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के अन्य नेता भी इस आंदोलन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के निर्देश पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में राजभवन का घेराव किया गया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि खाऊंगा न खाने दूंगा। सच में उनका वाक्य सही हो गया है। आज खाने पीने की वस्तुओं में जीएसटी लगाकर बच्चों के भोजन से भी उनका अधिकार छीना जा रहा है। हमारी मांग है कि खाने पीने की चीजों से जीएसटी हटाई जाए और महंगाई कम की जाए। आज एक रास्ता कांग्रेस के रास्ता है, दूसरा रास्ता मोदी और शाह का रास्ता है। ये ना महंगाई के माध्यम से आपको कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, नौकरी मतलब खत्म करके आपके अधिकार खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जितने भी इंस्टीट्यूट है वो कंट्रोल करके आपका अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे थे। ये बात आपको समझने लगी, आपके हक और अधिकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी राजभवन के घेराव के फैसला अगर पीसीसी के द्वारा या किसी निर्देश से आप सब बड़े संख्या में आया, बहुत गर्मी है, फिर भी आपके जोश में कोई कमी नहीं आए। आप सबसे निवेदन एक बार जोरदार आने के साथ अपन बात में समाप्त करूं।